तो दोस्तों इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के चांदनी चौक में। आपने नाम तो सुना ही होगा क्योंकि दिल्ली का फेमस इलाका चांदनी चौक है। तो इसके सामने की अगर मैं बात करूँ वो है लाल किला। और आप यहाँ की जो पूरी आप जो पहले जो चांदनी चौक के पर होता था, मतलब जिसको जब पहले अगर मैं यहाँ से अब से 2 साल पहले की पुरानी बात करूँ, तो यहाँ पर बहुत भीड़ भाड़ होती थी। मतलब बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका था क्योंकि यहाँ पर बाइक भी चल रही हैं, कारें भी चल रही हैं, लोग भी चल रहे हैं और यहाँ पर रिक्शा भी चल रहे हैं। तो अब क्या हो गया, यहाँ पर काफ़ी साल के बाद यहाँ पर जो अब चेंजेस आए हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रॉपर यहाँ से एक तरीका, मतलब एक प्रॉपर वे में इसको बना दिया है, एक मतलब एक आर्किटेक्चर से एक डिज़ाइन करके इसको यहाँ पर बना दिया है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना शानदार नज़र आ रहा है मेरे पीछे से। और अब यहाँ पर इतनी भीड़ नहीं है, यहाँ पर बाइक अलाउ नहीं है, यहाँ पर कार अलाउ नहीं है, यहाँ पर सिर्फ पैदल चल सकते हैं और 3 पहियों वाले रिक्शा आपको नज़र आ रहे होंगे यहाँ पर। तो आज मैं आपको यहाँ की जो स्ट्रीट फूड है, यहाँ के जो फेमस इलाके हैं जो फूड में बहुत ज़्यादा फेमस है, जैसा पराठे वाली गली हो गई, नटराज के भले आपने सुने होंगे यहाँ पर बहुत फेमस हैं, उसके बाद यहाँ पर जलेबी बहुत फेमस है, मैं आज आपको कंप्लीट रूबरू कंप्लीट विजिट कराने वाला हूँ जो जो यहाँ पर फेमस स्ट्रीट फूड है। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लाल किले के सामने है चांदनी चौक और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं इस तरह के रेलिंग्स यहाँ पर लगाए हुए हैं। ये इस वजह से लगाए हुए हैं ताकि कोई भी बाइक और कार अंदर ना जाए और जो चांदनी चौक की जो खूबसूरती है वो ऐसी ही बनी रहे। तो इस वजह से यहाँ पर ये इन्होंने रैलिंग लगा रहे थे। तो अब जाएंगे सीधा हम अंदर चांदनी चौक की मार्केट में। और आप यहाँ पर हमारे लेफ्ट साइड में देख सकते हैं ये मंदिर है, श्री दिगंबरम जैन की ये मंदिर है। काफ़ी प्राचीन मंदिर है, मतलब बहुत पुराना मंदिर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मतलब हमेशा यहाँ पर बहुत भीड़ रहती है और प्राचीन मंदिर है। ठीक है, अब हम आपको लेके चलते हैं सीधा मार्केट में। और आप यहाँ से चांदनी चौक का नज़ारा आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर बैठने के लिए इन्होंने यहाँ पर ईंटें लगाई, मतलब एक पत्थर टाइप का इन्होंने कुछ लगाया हुआ है बैठने के लिए। और आप पूरा चांदनी चौक यहाँ से देख रहे होंगे पूरा लास्ट, मतलब गुरुद्वारा यहाँ से दिख रहा हो। और काफ़ी आगे हम कंप्लीट मार्केट से आपको विजिट कराने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे ये मैंने आपको प्राचीन मंदिर दिखाया था जो है बहुत पुराना, श्री दिगंबरम जैन का। और ये पूरा चांदनी चौक है और मैं आपको इसके पुराने फोटोज भी दिखाने की कोशिश करूँ, मतलब दिखाऊँगा आपको पुराने फोटो के पुराने, मतलब जब यहाँ से अगर 2-3 साल पुरानी मैं बात करूँ तो जब कैसा यहाँ पर कितनी भीड़ भाड़ रहती थी और कैसा यहाँ पर अंदर, मतलब लोग अंदर आने के लिए मतलब झिझकते थे। लेकिन आज हर कोई अंदर आने के लिए, मतलब हर कोई अंदर इजीली से आ जाता है। बहुत जी लगता है यहाँ पर आकर के, लोग बैठ जाते हैं। अभी तो फिलहाल धूप बहुत तकड़ी हो रखी है तो इस वजह से यहाँ पर इतनी भीड़ भाड़ नहीं दिख रही है, लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर शाम होगी वैसे वैसे यहाँ पर भीड़ बढ़ती चली जाएगी। तो अब चलते हैं सीधा मार्केट की और यहाँ पर क्या क्या चीज़ें फेमस हैं तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको कोई भी बाइक और कार यहाँ पर नज़र नहीं आ रही होगी। और यहाँ पर रिक्शे खड़े हुए हैं लाइन में। और ये गौरी शंकर मंदिर है, श्री गौरी शंकर मंदिर। और उससे पहले जो था वो था दिगंबरम जैन मंदिर, ये गौरी शंकर मंदिर है। और इधर मैं अपने राइट साइड की बात करूँ तो यहाँ पर पूरा अंदर मतलब इलेक्ट्रिक की मार्केट है, बहुत खतरनाक। मतलब यहाँ पे डीजे वगैरह यहाँ पर मिलते हैं और भी बहुत सारी लाइट्स वगैरह यहाँ पर मिलती रहती हैं। और ये आप देख सकते हैं भाई कितनी पुरानी बिल्डिंग है यहाँ पर, वो आप अंदाज़ा लगा सकते हो भाई। और आप यहाँ पर देख सकते हैं रिक्शे वगैरह हैं। तो भाई आप यहाँ पर देख सकते हैं गर्मा गर्म जलेबी भाई कितनी मोटी है भाई, क्या रुपये किलो है ये? 500। ये भाई 500 रुपये किलो है। और आप देख सकते हैं भाई देसी और देसी घी की है। आप देख सकते हैं भाई कितनी मोटी है भाई, एक मतलब एक बंदा से तो नहीं खाई जाएगी कह रही है, लेकिन बहुत अल्टीमेट है इसका। हम अभी टेस्ट भी करके देखने वाले हैं कि भाई कैसा टेस्ट है इसका। और यहाँ पर इनके पास कुछ ये क्या है, खस्ता कचौरी है, ये खस्ता कचौरी, आलू प्याज कचौरी, ये भी बहुत टेस्ट करने वाले हैं हम सारी की सारी चीज़ें। आप देख सकते हैं भाई कितनी अल्टीमेट है, देखने में कितनी मतलब अच्छी लग रही है, टेस्टी लग रही है। और अभी हम खा के भी आपको दिखाने वाले हैं कैसे लगने वाली है। तो गाइस आप देख सकते हैं भाई कितनी बड़ी है। और तो अब मैं खा के ट्राई करने वाला हूँ कि भाई कितनी अल्टीमेट है देसी घी की ये जलेबी। और अभी देख लेते हैं इसको, वाह तो इसकी खुशबू है वो बड़ी अल्टीमेट है यार। अभी खा के देख लेता हूँ, अल्टीमेट है भाई यार, क्या देसी घी की जलेबी है भाई। एक बार आप ट्राई ज़रूर कर लेना भाई, अगर जो आपको आप मतलब जो मीठे में शौकीन हो आप और जलेबी के शौकीन हो तो भाई एक बार ज़रूर ट्राई कर लेना चांदनी चौक की फेमस जलेबी। तो भाई बहुत अल्टीमेट है, मेरे को तो बहुत ज़बरदस्त लगी क्योंकि मैं वैसे मीठे का शौकीन हूँ और मुझे जलेबी बहुत अच्छी लगी यहाँ की देसी घी की। ये नवरंग आप देख सकते हैं, नवरंग स्नैक एंड फूड्स, ये बिल्कुल लाल किले की मतलब जो लाल किला है चांदनी चौक है बिल्कुल उसी के आसपास ही है।
एक बार आओगे तो ट्राई जरूर करना भाई, बहुत अल्टीमेट है ये भाई। दिल्ली की बहुत फेमस मार्केट है भागीरथ पैलेस, यहाँ पर इलेक्ट्रिक का हर सामान मिलता है। वो चाहे मैं यहाँ पर फिर लैंप की बात करूँ, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं अल्टीमेट यहाँ पर लैंप नज़र आ रहे होंगे आपको, चाहे मैं इन लैंप की बात करूँ और चाहे मैं अंदर मार्केट की बात करूँ, तो बहुत अल्टीमेट यहाँ पर होता है वो आप देख सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ की अंदर जो मार्केट है उससे भी मैं आपको रूबरू कराने वाला हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हर तरह की यहाँ पर लाइटें अवेलेबल हैं। अभी हम अंदर तो नहीं जाएंगे, अभी हमें फ्यूचर हमारा पूरी का ऐसा हम लोग कवर करेंगे। बाकी यहाँ पर मार्केट देख सकते हैं भाई, अगर आप इलेक्ट्रिक वगैरह के कुछ मार्केट की मतलब सामान लेना चाहते हो तो भाई भागीरथ पैलेस बिल्कुल जो चांदनी चौक में है वहाँ से आप आ करके ले सकते हैं। ये भाई हम पहुँच चुके हैं यहाँ पर गुरुद्वारे में, और आप यहाँ पर देख सकते हैं भाई कितना शांत सा माहौल हो रहा है चांदनी चौक में। हालाँकि कभी ऐसा नहीं होता, लेकिन दोपहर हो रखी है तो इस वजह से यहाँ पर इतनी भीड़ भाड़ नज़र नहीं आ रही है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है गुरुद्वारा शीशगंज जो चांदनी चौक में है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना मतलब चांदनी चौक को इन्होंने हरा भरा बना दिया। पहले इस तरह से यहाँ पर भीड़ भाड़ रहती थी, और अब यहाँ पर कितनी भीड़ मतलब इतनी भीड़ नहीं है। और यहाँ पर पूरी आप देख सकते हैं चांदनी चौक का इलाका है पूरा ये। और अब हम चलते हैं थोड़ा आगे की ओर, और यहाँ की जो फेमस चीज़ें हैं उनसे भी आज हम आपको मतलब वो भी आपको दिखाने वाले हैं, क्या क्या यहाँ पर चांदनी चौक में खाने में मतलब क्या क्या फेमस हैं। और ये पूरा शीशगंज गुरुद्वारा है, आपने देखा होगा यहाँ से लेकर के और यहाँ आगे तक आप देख सकते हैं, ये इसका पूरा मेन गेट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा शीशगंज साहिब दिल्ली, और यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं आगे की ओर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर भी मार्केट शुरू है, यहाँ पर गुरुद्वारे के बिल्कुल बराबर में इधर भी मार्केट है और इधर भी मार्केट ही मार्केट है। मतलब यहाँ पर लहंगा वगैरह साड़ी सूट यहाँ पर बहुत अल्टीमेट होते हैं, बहुत यहाँ पर मार्केट है। कपड़े की तो यहाँ पर बहुत मार्केट है। लेडीज़ की अगर मैं बात करूँ तो लेडीज़ सूट यहाँ पर एक से एक मार्केट है। यहाँ पर लहंगा साड़ी कुर्ती और शेरवानी यहाँ पर बहुत मिल जाती है, बहुत रिजनेबल प्राइस में यहाँ पर मिल जाती है। और यहाँ पर ये हल्दीराम है जो बहुत पुराना है यहाँ पर हल्दीराम, और आप यहाँ पर देख सकते हैं भाई साड़ी वगैरह कितनी अल्टीमेट लग रही हैं। और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े शोरूम हैं, साड़ी लहंगे बहुत अल्टीमेट हैं यहाँ पर, बहुत रिजनेबल प्राइस में आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। भाई हम यहाँ पर नटराज पहुँच चुके हैं, और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 1940 से इनकी दुकान है, और यहाँ पर मतलब कितनी भीड़ यहाँ पर लगी हुई है, और लोग भल्ले का बहुत शौकीन हैं यहाँ पर। और आप देख सकते हैं भाई कितनी भीड़ हो रही है यहाँ पर, और हम अभी भल्ले भी खाने वाले हैं, जो यहाँ के जो फेमस भल्ले हैं नटराज के वो मैं अभी ट्राई करने वाला हूँ। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी भीड़ है। तो भाई भल्ले आ चुके हैं मेरे पास नटराज के, जो फेमस हैं 1940 से यहाँ पर ये मतलब बना रहे हैं भल्ले। और कितने यहाँ पर मेरे को जो नज़र आ रही है सिर्फ इसके अंदर भला है और दही है और खटाई है सिर्फ। अब मैं इसको थोड़ा ट्राई करके देख लेता हूँ भाई कैसा है। भाई बहुत अल्टीमेट है यार, जिस तरह से लोग इसकी तारीफ कर रहे थे कि भाई चांदनी चौक में नटराज के भल्ले, वैसा इसके अंदर जायका है, वैसा इसके अंदर टेस्ट है। भाई मज़ा आ गया मेरे को भल्ले खा करके, और बहुत अल्टीमेट लग रहा है। काफ़ी यहाँ पर लोग खा रहे हैं, और उन लोगों से भी हम बात करेंगे कि भाई उनको भल्ले कैसे लगे हैं, उन लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। मेरे को तो बहुत अल्टीमेट लगे हैं, अभी मैं और खा करके देख लेता हूँ। बहुत अल्टीमेट हैं, बहुत लाजवाब हैं भल्ले का जो जायका है भाई बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप शौकीन रखते हो भाई कुछ खट्टा मीठा खाने में तो भाई एक बार नटराज के भल्ले ज़रूर ट्राई कर लेना। तो भाई मैं अगर इसकी प्राइस की बात करूँ तो आप यहाँ पर प्राइस देख सकते हैं, भल्ला 60 रुपये का है दही भल्ला, और आलू की टिक्की वो भी 60 रुपये की है, और नटराज जो फैमिली का है ये ऊपर बैठने का है, इनके ऊपर भी आप यहाँ पर
बैठ सकते हो भाई, ये फैमिली रेस्टोरेंट है ऊपर नटराज का। अच्छे लगे भाई। पहली बार आए हो? नहीं नहीं, मैं आता रहता हूँ यहाँ पे। मतलब जायका वही है या मतलब बदल चुका है? वही है वही है। हाँ आना चाहिए लोगों को, आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। कहाँ से आए हो? मैं शाहदरा से। शाहदरा से स्पेशल आप बल्ले खाने के लिए? नहीं, हम सामान लेने आए थे तो इसलिए बल्ले अच्छे लगे तो यहाँ पे। थैंक यू। अच्छे हैं, बहुत टेस्टी हैं। थोड़ा वैसे भी वेदर ऐसा है ना, तो इसमें दही की आइटम्स वैसे अच्छी लगती है। क्या लोगों को आना चाहिए कि नहीं बल्ले खाने के लिए? आना चाहिए ज़रूर। अगर चांदनी चौक आ रहे हो, चांदनी चौक में दही बल्ले और ये कचौ, हाँ मोस्टली हम यही जैसे आलू की कचौड़ी और सब्जी, ये ज़्यादा यहाँ चांदनी चौक की फेमस आइटम्स हैं। चांदनी चौक आ रहे हो तो चांदनी चौक का खाना तो यही है। तो मतलब यहाँ पर हमने लोगों से बात करी, वो बोल रहे हैं कि अगर आप चांदनी चौक आ रहे हो तो भाई नटराज के बल्ले, मतलब जो इनकी फेमस दही बल्ले हैं, वो एक बार ज़रूर ट्राई कर लेना। तो यहाँ पर लोगों को काफ़ी अच्छा रिव्यू रहा। और अभी चलते हैं दूसरी जगह पर, और भी जगह, और भी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ की जो चांदनी चौक में फेमस है। तो गाइज अब हम पहुँच चुके हैं पराठे वाली गली। ठीक है, आप देख सकते हैं हम पराठे वाली गली पहुँच चुके हैं। और अब पराठे वाली गली में यहाँ पर क्या क्या चीज़ें यहाँ पर फेमस हैं, और यहाँ पर हमने सुना है अक्षय कुमार भी यहाँ पर मतलब पराठे वाली गली में ही रहते थे। और यहाँ पर ये पराठे वाली गली है, और अब हम चलते हैं अंदर। और ये जो पराठे वाली गली है, बिल्कुल नटराज जहाँ पर अभी हमने दही बल्ले खाए हैं उसके बिल्कुल सामने ही है पराठे वाली गली। यहाँ पर मेरे आप साइड में देख सकते हैं कुछ मिठाई की दुकान, और यहाँ से मतलब पराठे वाली गली है। तो मतलब इसका मतलब यही है ना कि भाई यहाँ पर खाने वाने का बहुत है। आप यहाँ पर देख सकते हैं लोग खाना खा रहे हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई लहंगे वगैरह है, यहाँ देख सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं भाई पूरी तैयार हो रही है। और अभी हम चलते हैं आगे, और यहाँ मतलब पराठे की दुकानें हैं ही, और साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारी मतलब लहंगे वगैरह की, साड़ी की भी दुकान है यहाँ पर, वो आप देख सकते हैं। और मतलब एक अलग ही अच्छा, बहुत अच्छा फील हो रहा है यहाँ पर पराठे वाली गली में आकर के। भाई आप यहाँ पर देख सकते हैं भाई, ये है पराठे वाली गली। और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी मतलब बहुत अच्छा यहाँ पर माहौल है, पराठे खाते हैं आकर के, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और पूरी मार्केट है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई सेटिंग का भी बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है यहाँ का। और मार्केट जो है पूरी, वो मतलब प्रॉपर खाने की भी है, और साथ ही साथ यहाँ पर मार्केट भी है जो मतलब लहंगा साड़ी की है। और यहाँ पर देख सकते हैं भाई और आगे, और आपने यहाँ पर देखा भाई काफ़ी भीड़ भाड़ था अंदर, और काफ़ी पराठे की दुकान भी थी। ठीक है, ये पूरी चांदनी चौक की मार्केट है, यहाँ पर लहंगा साड़ी सूट्स बच्चों के कपड़े पार्टी वियर्स और ज्वेलरीज यहाँ पर मिल जाती है। मेन जो चांदनी चौक है वो इसी चौक को कहा जाता है, ये आप देख सकते हैं भाई पूरा चौक। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर चांदनी चौक का बोर्ड। लाल किला रोड था वो सब था, लेकिन जो पूरा चांदनी चौक कहा जाता है वो पूरा ये चौक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई कितना अच्छा है, यहाँ पर माहौल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई गाड़ी यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है, और यहाँ पर कितनी शांति से लोग जा रहे हैं। अभी इतनी भीड़ भाड़ नहीं है यहाँ पर, दिख रही धूप जो है वो, उसका तापमान वो 45 डिग्री सेल्सियस इस वक्त यहाँ पर हो रहा है। और ये पूरा चांदनी चौक है, भीड़ भाड़ नहीं है पहले के मुकाबले, जब से चांदनी चौक को इसको मतलब प्रॉपर इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है, जब से इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है, जब से यहाँ पर बहुत छीड़छाड़ है, बहुत आराम से लोग यहाँ पर निकल जाते हैं। और शाम का नज़ारा भी हम आपको यहाँ का चांदनी चौक का दिखाएंगे वो कैसा रहता है। ये है सामने नई सड़क, नई सड़क यहाँ पर आपको हर तरह की बुक्स वगैरह मिल जाएंगी, हर तरह की, चाहे कितनी पुरानी बुक्स हो या कितनी नई बुक हो, यहाँ पर हर बुक यहाँ पर बेस्ट सेलर यहाँ पर मिल जाती हैं, हर तरह के यहाँ पर बुक्स वगैरह रहती हैं। तो यह नई सड़क, इसलिए यहाँ पे इसको नई सड़क कहा जाता है। पहले आज हम कवर करने वाले हैं पूरा फतेहपुरी मस्जिद, मैं आपको फतेहपुरी मस्जिद दिखाने वाला हूँ अंदर जा करके। और आपको सामने नज़र आ रही होगी फतेहपुरी मस्जिद, वो आप देखने वाले हैं।
10 से 15 सेकंड के अंदर आपको फतेहपुरी मस्जिद नज़र आ जाएगी। फतेहपुरी मस्जिद को बताया जाता है कि ये पूरी जिस तरह से जामा मस्जिद का जो स्ट्रक्चर जो बना हुआ है प्रॉपर, इस तरह से मतलब फतेहपुरी मस्जिद को बताया जाता है। तो अभी मैं सीधा फतेहपुरी मस्जिद चलता हूँ। तो भाई आप देख सकते हैं मस्जिद फतेहपुरी आपको सामने नज़र आ गई होगी, और इसके आसपास का इलाका है ये, बहुत यहाँ पर भीड़ भाड़ रहती है। अभी तो इतनी भीड़ भाड़ नहीं है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं भाई कितनी साफ सफाई सुथरी है यहाँ पर। ये भी पूरा चांदनी चौक में ही आता है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ फेमस स्ट्रीट फूड्स हैं, जैसा यहाँ की काजू बर्फी, वो बहुत फेमस है यहाँ की, क्योंकि मैं हमेशा यहाँ से लेके जाता हूँ। और यहाँ पर जो सोन हलवा होता है वो बहुत फेमस होता है। यहाँ पर फलूदा भी बहुत फेमस है, वो भी मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। और यह पूरी फतेहपुरी मस्जिद, ये आप देख सकते हैं भाई सामने फतेहपुरी मस्जिद का अगर मैं स्ट्रक्चर दिखाऊँ आपको अंदर से, तो कुछ ऐसा है। तो ये पूरी फतेहपुरी मस्जिद है, आप देख सकते हैं भाई कितनी बड़ी मस्जिद है यार। ये पूरा जो इसका स्ट्रक्चर है, इसका गुंबद है, ये लाल मतलब जो हमारी जामा मस्जिद है उसकी तरह बनाई हुई है। एक गुंबद है और दो मीनारे हैं, ये आप देख सकते हैं भाई कितनी बड़ी यहाँ पर ये मस्जिद है, बहुत बड़ी है यार। किस तरह से मतलब इसको डिज़ाइन किया हुआ है, ये कितना अल्टीमेट है, और इसमें कितने सारे दरवाजे लगाए हुए हैं। बीच में इसमें हौज भी है, वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके, और इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो भाई यहाँ पर देख सकते हैं भाई क्या है, ये रबड़ी है सर, ये 300 रुपये किलो सर। जी कब से लगा रहे हो सर? बहुत साल हो गए हमें। ये बहुत बड़े जायका सर खाने, ये हमारे आदरस की रबड़ी है सर मसूर। ये तो हमारा बहुत पुरानी दुकान है, 1947 की दुकान है। पनीर है हमारे, मलाई पनीर, जीरा पनीर है, मसाला पनीर। 300 रुपये किलो मलाई पनीर, जीरा पनीर। तो भाई ये है वो सोन हलवा जो बहुत फेमस है यहाँ पर, और आप देख सकते हैं इसका प्राइस 740 रुपये किलो है। ये सोन हलवा जो कि बहुत फेमस है, ये यहाँ पे ये आपको बिल्कुल जो फतेहपुरी मस्जिद है उसके नीचे ही इनकी दुकान है ये, तो ये बहुत ले सकते हैं क्योंकि मैं यहाँ से लेके जाता हूँ, इस वजह से मुझे पता है यहाँ के रेट। ये है इनका जैन स्वीट्स करके, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी आपको और भी स्वीट्स में बहुत सारी आइटम्स यहाँ पर मिल जाएंगी आपको, लेकिन जो इनका बेस्ट सेलर की मैं बात करूँ तो वो है इनका ये सोन हलवा। तो ये पूरी मार्केट है यहाँ पर, आप देख सकते हैं यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स बहुत मिलते हैं। और यहाँ पर आपने रबड़ी आपने सुनी होगी, यहाँ पर ये हाथरस की फेमस रबड़ी आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, काफ़ी लोगों ने यहाँ पर रबड़ी लगाई हुई है जो कि बहुत फेमस है। लगभग 300 रुपये किलो है ये। और यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स की तो अगर मैं बात करूँ तो भाई ड्राई फ्रूट्स तो यहाँ पर इतने हैं ना भाई, मैं आपको बता नहीं सकता, हर जगह पर ड्राई फ्रूट्स हैं। आप चारों तरफ यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स की शॉप देख सकते हैं। और हम यहाँ से जो रास्ता जा रहा है ये सदर में जा रहा है, जहाँ पर सदर जो कोई बहुत फेमस इलाका है, यहाँ पर हर चीज़ मिल जाती है सदर के अंदर। और ड्राई फ्रूट्स तो यहाँ पर हर दुकान यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स की मिल जाएगी। तो अब हम चलते हैं वापस, क्योंकि यहाँ पर जितना हमने कवर करना था वो हम यहाँ पर कवर कर चुके हैं। तो भाई यहाँ पर हम काफ़ी मतलब हमने मार्केट दिखाने की कोशिश करी है आपको, जो चांदनी चौक की कम्प्लीट मार्केट है हमने विज़िट कराया आपको, हर जगह मतलब जो यहाँ की फेमस स्ट्रीट्स हैं। बाकी और भी चीज़ें हैं यहाँ पर जो बहुत फेमस हैं, वो भी हम आपको किसी अदर वीडियो में अदर वीडियो में हम दिखाएंगे आपको, क्योंकि हर चीज़ कवर करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है। और आज हमने काफ़ी हद तक कवर किया। और यहाँ पर अगर मैं इस मार्केट की बात करूँ तो काफ़ी बड़ी मार्केट है ये, पूरी जो फतेहपुरी मस्जिद है, पूरी जो फतेहपुरी मस्जिद है उसी के आसपास का ये पूरा इलाका है। और यहाँ पर बहुत चहल पहल है क्योंकि शाम होने लग रही है, थोड़ी थोड़ी धूप भी कम होने लग रही है। तो ये पूरा मतलब इधर सदर में जा रहा है रास्ता, सदर बाज़ार में, चावड़ी बाज़ार में, ये सब आसपास के इलाके हैं यहाँ पर, और ये पूरा मतलब चांदनी चौक के अंदर ही आता है। तो दोस्तों चांदनी चौक की जो मार्केट थी हमने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लोर करी है, यहाँ पर हमने देखा काफ़ी स्ट्रीट फूड्स भी थे। और आपने यहाँ पर देखा होगा कि यहाँ पर जो भल्ला है मतलब जो नटराज के जो भल्ले पापड़ी है वो बहुत फेमस है भाई, क्या टेस्ट था उसका, बहुत लाजवाब टेस्ट था, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर खा यहाँ पर आके। काफ़ी लोगों से मैंने बात भी करी है, मतलब बात करने के बाद ये पता चला कि उनसे कि भाई अगर आप चांदनी चौक आ रहे हो तो भाई नटराज मिस मत करना, मतलब नटराज के जो भल्ले पापड़ी हैं उनको मिस मत करना। और यहाँ की जो है चहल पहल है, अगर मैं चहल पहल की बात करूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं
कितनी चहल पहल यहाँ पर है इस वक्त, क्योंकि जब हम दोपहर में यहाँ पर शूट कर रहे थे लगभग 1 से 2 बजे तो इतनी भीड़ नहीं थी, और अभी फ़िलहाल यहाँ पर आप चहल पहल देख सकते हो कितनी यहाँ पर लोग आ रहे जा रहे हैं, और इधर भी देख सकते हो आप लोग बैठे हैं, क्योंकि शाम का समय हो चुका है और यहाँ पर जो है भीड़ भाड़ है वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है। और यहाँ पर आप रिक्शे वाले देख सकते हो, रिक्शे वालों की यहाँ पर लाइन है, क्योंकि यहाँ पर जो गाड़ी थी 4-व्हीलर्स थे और 2-व्हीलर्स थे उनको तो यहाँ पर प्रॉपर बंद ही कर दिया गया था, लेकिन यहाँ पर रिक्शे वाले की मतलब यहाँ पर काम 3 पहिए वाले जो रिक्शे हैं वो चल रहे थे यहाँ पर, ठीक है। और मैं अगर जो यहाँ की बात करूँ, यहाँ पे जैसा यहाँ पे मार्केट है, यहाँ पे भागीरथ पैलेस है जो पूरा इलेक्ट्रॉनिक के सामान वहाँ पर मिलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वहाँ पर मिलते हैं। अगर मैं कैमरा की मार्केट, ये कैमरा की यहाँ पर प्रॉपर एक मार्केट है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वहाँ पर मिलते हैं, चाहे DSLR कैमरा हो या कोई भी लाइट हो या रिंग लाइट हो या हर तरह की यहाँ पर लाइट्स हैं, हर तरह के कैमरे हैं, महंगा से महंगा, सस्ता है सस्ता, और यहाँ पर लेंस वगैरह बहुत सारे हैं, और मतलब बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पर एक्सप्लोर करी। जैसा यहाँ की कपड़े की मार्केट है, बहुत सारे यहाँ पर कपड़े लहंगे वगैरह यहाँ पर मिले हैं। मतलब चांदनी चौक में मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, अगर आप एक बार चांदनी चौक का अपने प्लान बना लिया कि भाई हमें चांदनी चौक जाना है, तो भाई मुझे नहीं लगता यहाँ से आप खाली जाओगे, आप मतलब यहाँ से कुछ ना कुछ लेकर जाओगे या कुछ ना कुछ खाकर जाओगे। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो में आपको मज़ा आया होगा कि भाई किस तरह से मतलब हमने यहाँ पर आपको हर चीज़ दिखाने की कोशिश करी है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।